शामली जनपद के गढ़ी पुख्ता थाना क्षेत्र के गांव ताना में कुछ अराजक तत्वों ने मंदिर में भगवान हनुमान जी की मूर्ति को तोड़कर खंडित कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी आक्रोश व्याप्त है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल करते हुए ग्राम प्रधान की तहरीर पर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी। आज दिनांक 12 मई को सुबह थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के ग्राम ताना से एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए क्षेत्राधिकारी थाना भवन खुद में व थाना प्रभारी गढ़ीपुख्ता मई फोर्स के गाँव में पहुंचे। मंदिर के प्रबंधक व ग्राम प्रधान से बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि गांव में पूर्ण रूप से अमन व भाईचारा है व यह किसी असामाजिक तत्व का कृत्य लगता है, ऐसी आशंका उनके द्वारा व्यक्त की गई। इस संबंध में मंदिर के प्रबंधक से लिखित तहरीर प्राप्त कर थाना गढ़ीपुख्ता पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाँव में पर्याप्त पुलिस फोर्स मौजूद है, शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। पुजारी जी, क्या नाम है आपका? अनिल गिरी। अच्छा, नाम अमन गिरी। अच्छा, ये जो हनुमान जी की मूर्ति खंडित की गई है, किस टाइम पता चला आपको? कैसे नहीं मालूम, हम तो वहाँ कमरे में अंदर थे। अच्छा, किस समय आप रात में सोए थे, किस समय? मतलब मैं 9 बजे तक तो बाहर रहता हूँ। अच्छा, और उसके बाद में ले जाता हूँ। सुबह फिर किस टाइम में उठते हैं हम पूजा करने के लिए? आप वो तो 4 बजे उठ जा, जब हम भिक्षा करने के लिए गए मूर्ति खंडित मिली। कुछ और कुछ ऐसा कुछ मिला आसपास? कुछ नहीं, कोई किसी चीज़ से खंडित की गई हो कुछ ऐसा? ऐसा कोई तत्व नहीं मिला। अच्छा, दो ईंट पड़ी हुई थी। दो ईंट पड़ी हुई थी। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा, क्या मान रहा है कि किस किसका काम हो सकता है? ये तो कोई खराबी तत्व हो सकता है। खराबी तो